तो शायद माता जी का बुलावा था कि मैं ये शो में हूँ और माता जी मेरे पास हैं। ये किरदार आपको चुनता है तो मैं भी महालक्ष्मी जी का ही वेट कर रही थी कि आप मुझे प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए, और उनका आशीर्वाद इतना रहा है कि मैं उन्हीं का किरदार प्ले कर रही हूँ। हमारी संस्कृति और हमारे यू नो रोज की जो दिनचर्या है कैसे क्या, क्योंकि आजकल जो यूथ भटक रही है मेरे ख्याल से वो रास्ते पे आए। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। फिर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज पोस्टर लॉन्च हो गया है आपके शो का, कुछ कहना चाहेंगे उस चीज को लेकर? सबसे पहले तो कैसा रहा एक्सपीरियंस अंदर जाने का? बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है, और आज हम अपने पोस्टर लॉन्च के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा शो स्टार भारत पर आ रहा है, जग जननी माँ वैष्णव देवी, और इससे अच्छी लॉन्च और क्या होगी कि हम माता रानी के ही टेंपल में आए हैं, उनके आशीर्वाद लेकर यहीं पर लॉन्च कर रहे हैं। तो फील बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। जैसे ही हमने माता रानी के दर्शन किए तो ऐसा लगा कि यू नो ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे से हमें मिल रही हैं, तो फील तो बहुत खूबसूरत आया। सो आई थिंक बारिश तूफान कोई कहाँ कहाँ से सब लोग आए हैं, आप लोग भी यहाँ पर आए हमारे साथ, हमारा साथ देने के लिए। तो आई एम श्योर कि माता रानी का आशीर्वाद पूरा पूरा मिल रहा है। उनके दरबार पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि उनके दरबार पे ये इंटरव्यू कर रहे हैं। आप लोग ऐसे कभी मतलब आकर ऐसे गए थे, कभी ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस अपना अगर ऐसे? मैं बड़ा सौभाग्य के साथ तो नहीं बोल पाऊँगा ऐसा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन हाँ ये हुआ कि पूरे परिवार, हम पठानकोट से काफ़ी पास है माता जी का दरबार, कई बार ऐसे मौके मिले, लेकिन मैं कोई कुछ कारण ऐसा आया कि वहाँ तक पहुँच के भी जा नहीं पाया। तो शायद माता जी का बुलावा था कि मैं ये शो में हूँ और माता जी मेरे पास हैं और मेरे ही घर में उनकी उत्पत्ति, उनकी पैदाइश मेरे घर में हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है और दैट्स अ ब्लेसिंग आई फील। ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं हमेशा से वैष्णो देवी के दर्शन ज़रूर करना चाहती थी, तो मुझे लग रहा है ये भी एक कॉलिंग थी न, और ये ब्लेसिंग्स ही हैं उनके, जो मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि मैं इस किरदार के लिए मैं चुनी गई, जो कि वैष्णवी की माँ का किरदार है, रानी समृद्धि का, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, एक काफ़ी बोलते ना क्विक सा कमबैक कह सकते हैं इसको, कि जस्ट उड़ान खत्म हुआ था और अब यहाँ, तो कुछ कहना चाहेंगे? बहुत जल्दी पिक कर लिया। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग, और ऐसे जैसे कि आप चुने जाते हैं किसी किरदार के लिए, और यही मेरे साथ भी हुआ, तो या आई एम हैप्पी एक्साइटेड। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? अक्सर कोर्ट और टाई में हमेशा नज़र आते थे CID वगैरह में, और अब यहाँ पर एक प्रॉपर होमली फील जब आएगा तो? नहीं, वही मेरे ख्याल से हर इंसान को एज एन एक्टर कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी साल बहुत सी चीज़ें की, इसके अलावा भी बहुत सारे शोज जो अलग अलग थे, ये मेरे लिए कुछ अलग है, और अलग इसलिए भी है, एक तो पूरी टीम नई है, और स्टार भारत के साथ मेरे लिए पहला शो होगा उनके साथ, और उसके साथ ही साथ रश्मि शर्मा जी जो कि जिनका मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना है, तो बहुत अच्छा है कि हम सब एक टीम मिले हैं और एक अच्छे चीज़ के लिए मिले हैं, और बहुत बड़े शो के लिए और अच्छे शो के लिए मिले, तो बड़ी एक्साइटमेंट है, और टीम भी अच्छी है हमारी, बड़ी एक्साइटेड पॉजिटिव है सारे के सारे। इसी के साथ अगर बच्ची के साथ में अगर पूछा जाए तो कैसा रहा मिशा के साथ में? आपको अच्छा लगा? जी बहुत बहुत अच्छा लगा हमें साथ में काम करके, और बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही पॉजिटिव, सो और हम सबको मज़ा आ रहा है, मेरे ख्याल से हमने जितने भी सीन्स किए हैं सब ने इन्जॉय किया है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम सब इसी तरह काम करते रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार को लेकर? जैसे लास्ट टाइम भी जब मेरी आपसे बात हुई थी तब भी मैंने कहा था कि ये किरदार जो होते हैं देवियों के किरदार होते हैं, आप इन्हें नहीं चुनते हो, ये किरदार आपको चुनता है, तो मैं भी महालक्ष्मी जी का ही वेट कर रही थी कि आप मुझे प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए, और उनका आशीर्वाद इतना रहा है कि मैं उन्हीं का किरदार प्ले कर रही हूँ। तो कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी हर स्त्री में एक दिव्य के रूप में रहती हैं, और जहाँ भी समृद्धि होती है, प्रसिद्धि होती है, कल्याण होता है, या कहा जाए ऐश्वर्यशाली शक्ति होती है, वहाँ पे माता रानी या महालक्ष्मी जी वहीं पर प्रेजेंट होती हैं, ये उनके चिन्ह होते हैं। तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है ये किरदार प्ले करते हुए, और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है इस बात से कि मुझे फिर से ऐसे किरदार मिले हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं,
तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे किरदार लेकर उनको प्रेजेंट करके जो हमारी संस्कृतियों से जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप तीनों से ही वो चीज़ पर टेक जाना चाहूँगी कि आजकल रियलिटी शोज में जो यूथ जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा जा रही है, तो आपको क्या लगता है माइथोलॉजिकल की तरफ लोगों का रुझान उतना आ पाएगा? हमेशा से रहा है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें तो हमारे भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी सभ्यता के साथ जुड़ी हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी ऐसे। और मेरे ख्याल से हर वर्ग में आप बच्चों से बात करें या बुज़ुर्ग हों या फिर मध्यम वर्ग के लोग हैं, सबको इसमें इंटरेस्ट है और सबको कहीं ना कहीं माँ बाप और जो संस्कार मिलते आ रहे हैं तो हमें हमारी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता है। और जिसे नहीं पता है उनके लिए ये शो और ज़रूरी है कि आपको इस बारे में पता लगे और हमारी संस्कृति और हमारे यू नो रोज की जो दिनचर्या है कैसे क्या, क्योंकि आजकल जो यूथ भटक रही है मेरे ख्याल से वो रास्ते पर आए इसको देख के, ये बहुत ही पॉजिटिव सबके लिए होगा, हमारे लिए भी और उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेस्ट वे कि हम जो हमारी संस्कृति है तो टीवी पे हम उसे देख सकते हैं इन चीज़ों को, सो वी कैन बिकम बेटर पर्सन आई फील पर्सनली एंड वी कैन ग्रो एज अ पर्सन, तो इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता। बिल्कुल, मैं भी ये कहना चाहूँगी लाइक हाउ तोरल सेड कि इससे अच्छा मौका और नहीं है। सभी को एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है सभी के लिए जो आप अपनी संस्कृति को देखो, और कहा जाता है कि माँ वैष्णव देवी की इतनी ज़्यादा मान्यता है, उनके पूरे ब्रह्मांड में फैंस हैं और हम तो खुद भी उनके इतने भक्त हैं, इसलिए उनके दरबार में आके बैठे उनका आशीर्वाद लेने के लिए कि कुछ कि उनसे जो भी कुछ मांगो तो वो खाली हाथ नहीं भेजती हैं। और मुझे लगता है कि सभी को, जब बच्चा भी अगर घर में होता है तो सबसे पहले आप हाथ रख के भगवान का आशीर्वाद देते हो, तो हमारी जो यूथ है वो मुझे लगता नहीं कि इतनी भी भटक रही है, वो सभी अंदर से सब लोग अच्छा समय हो या बुरा समय हो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं, तो भगवान पे हर किसी का विश्वास होता ही है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होता ही है। बिल्कुल, और हर बात में निकलती है दो ही बात, या तो भगवान का नाम या माँ का नाम, तो माँ भी यही है और भगवान भी हैं, तो उसके अलावा और कुछ निकलता नहीं। फैंस के लिए हम सब मिलके यही कहना चाहेंगे कि हमारे इस शो को देखिए, सराहिए, स्टार भारत पे जल्द ही आने जा रहा है ये शो, और इससे हमको और आपको सबको सीख मिलेगी और ज़रूर अच्छा ही कुछ देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।